तो हेलो गाइज, दोस्तों आज मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग है। मुझे बोलने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आता है, मगर मैंने यार लोगों को देखा, सौरभ जोशी के ब्लॉग से इंस्पायर हुआ हूँ, तो मैंने यार सोचा कि मैं भी एक ब्लॉग बनाता हूँ जिसमें अपनी कुछ बातें रखूँगा। देश दुनिया के लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, आप लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, इसीलिए मैंने ये पहला ब्लॉग शूट करने का प्लान बनाया है, तैयारी की है। और देखिए मेरा जो शेरू है, मेरा कुत्ता है, वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं इस समय गांव के बाहर जो है हाईवे है वहां जा रहा हूं, मेरी दुकानें वहां पे बनी हुई हैं, और चलते चलते ही ये ब्लॉग जो है मैं शूट कर रहा हूं। दोस्तों मेरा इस ब्लॉग में एक निवेदन आप लोगों से यही रहेगा कि यार यदि आप लोग सपोर्ट सभी का करते हैं यार, तो मेरा भी सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ब्लॉग में यार मुझे बोलने का तरीका नहीं आता है, कोई टिप्स वगैरह यदि आपके पास है कि कैसा कैसे बोला जाए, क्या मतलब किस प्रकार से बोला जाता है, किस प्रकार ब्लॉग वायरल होते हैं, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में है, मगर मैंने सौरभ जोशी का ब्लॉग देखा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। और इस समय देखिए मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये सहाबा बना हुआ है। मेरे गाँव में मुस्लिमों की बस्ती वहीं 3-4 घर होंगे, और जबकि हिंदुओं मतलब लगभग 2000 हिंदू हैं तो उसमें 50 मुस्लिम होंगे, मगर अखिलेश यादव जी ने ये सहाबा बनवा दिया था। पहले यहाँ पे हिंदुओं का कर्मकांड हुआ करता था, जैसे जो जब मरने के बाद जब लोग जलाए जाते हैं तो यहाँ पे पहले हिंदुओं का हुआ करता था, अब अखिलेश यादव सरकार ने ये सब बना दिया, और यहाँ पे एक भी बार कोई मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति जो है यहाँ पे दफनाया शायद नहीं गया है, ये अखिलेश यादव जी का कमाल है। और इधर पीछे देख रहे हैं ये हिंदू एक कोई मृत हुआ मतलब एक्सपायर हुआ था, उसको उसकी जो है चिता यहाँ पे है, जलाई गई है। मगर ये सब दिखाने का मेरा मकसद नहीं है ब्लॉग में। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या ये फालतू का ब्लॉग बना रहा हूँ, मगर ये बात सच है कि गांव में हिंदू ज़्यादा हैं, 2000 हिंदू हैं, 50 मुस्लिम हैं, मगर अखिलेश ने हिंदुओं को नाराज करके ये सब बनवा दिया था। तो दोस्तों ब्लॉग में बस आज के लिए इतना ही, और मेरे पीछे आप ये पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, तो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि क्या हुआ, क्या है आखिरकार। शायद एक ट्रक या ट्राली पलट गई है, मैं ब्लॉग का पीछे कैमरा करके दिखाता हूँ आपको।